देखिए, ये अपने अपने संस्कार हैं और जो वीडियो मैंने सुना है वो तो निश्चित रूप से बहुत आपत्तिजनक है किसी भी महिला के बारे में, चाहे वो बड़े पद पर हो चाहे छोटे पद पर हो। एक सांसद जैसे व्यक्ति को अपनी गरिमा को मेंटेन करना चाहिए और यही फर्क आदरणीय महाराज सिंधिया जी में और दूसरे लोगों में, और ये स्पष्ट संकेत देता है कि कौन किस संस्कार में जी रहा है, किसकी क्या मानसिकता है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और भसना करता हूँ कि जनप्रतिनिधियों को इस तरीके की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद केपी यादव जी द्वारा जो एक महिला कलेक्टर के लिए अपशब्द कहे गए हैं, उनकी मैं और मेरी पार्टी घोर निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं सांसद से कि वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे अपने आचरित शब्दों के लिए। और दूसरी तरफ मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि दो दिन में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने केपी यादव के इस आचरण की, इन शब्दों की निंदा नहीं की। इसका मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी ये बयान केवल केपी यादव जी का ना होकर भारतीय जनता पार्टी इससे सहमत है, इससे ये साबित होता है। और अगर ऐसा है तो बहुत पूरे देश के लोगों को, बुद्धिजीवियों को, महिलाओं को ये सोचना पड़ेगा कि जो पार्टी महिलाओं की अस्मिता की दावे करती है उस पार्टी का आचरण ये है कि उनका एक सांसद सार्वजनिक रूप से महिला कलेक्टर के लिए अपशब्दों का उपयोग करता है और पूरी पार्टी चुपचाप उसको सुनती है, यानी कि पूरी पार्टी मूक रूप से उसकी सहमति व्यक्त करती है, तो ये हमारे देश के लिए वो सोचनी बात है। और यदि पार्टी ऐसा नहीं है तो पार्टी नेता को तत्काल इसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। दूसरा, आपके द्वारा कल जो है सभा में एक पत्र बताया गया था जिसमें जो है कहा गया था कि कलेक्टर को आना ही नहीं था ज्ञापन लेने। देखो, भारतीय जनता पार्टी के सांसद केपी यादव, उनकी हठधर्मिता है ये कि जब दो दिन पूर्व, उनके आंदोलन के दो दिन पूर्व प्रशासन द्वारा लिखित में उनको सूचित कर दिया गया था कि ज्ञापन के लिए तहसीलदार उपस्थित रहेंगे कलेक्ट्रेट के बाहर और वहीं पे ज्ञापन लेंगे, वो दो दिन पूर्व जब आपको लिखित में इसकी सूचना, फिर आप एन मौके पे आके ये हठधर्मिता आप जिद कर रहे हैं कि नहीं, आप कलेक्टर आए, प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं, उन्होंने जब पूर्व से निर्धारित कर दिया था, या आप तत्काल तभी आपत्ति की होती आपने कि हम तहसीलदार को ज्ञापन नहीं देंगे। और दूसरी बात कि जो केपी यादव जी आंदोलन कर रहे थे उनके साथ एक सैकड़ा लगभग युवा उनके कार्यकर्ता अर्धनग्न अवस्था में खड़े थे, ये भी बेशर्मी की बात है। और फिर उसके बाद आप जिद कर रहे हैं कि एक महिला कलेक्टर उनके बीच में आके ज्ञापन लेने आए, ये इनकी संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की और इनकी सोच को उजागर करती है कि इनकी महिलाओं के प्रति इनकी क्या सोच है। और हम इनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, पूरी अशोक कांग्रेस पार्टी ने, पूरी प्रदेश के हमारे लीडर्स ने भी इसकी निंदा की है। और ये केवल भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बताना है कि वो महिलाओं के बारे में उनकी क्या सोच।